हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं फाइनली गाइस क्यू एन ए सेशन। तो मैंने बोला था कि 50K पे अपन क्यू एन ए करेंगे, तो आज मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पिक करने वाला हूं और उस पर मैं अपने आंसर्स दूंगा। तो रेडी हो जाओ गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर एज? तो मेरी एज है गाइस 22। थोड़ा सा मैं बड़ा हूँ आप लोगों से, आप सब 13-14 इसके आसपास हो, लेकिन मैं 22 का हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज योर फर्स्ट गेम दैट यू हैड प्लेड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 50K सब्सक्राइबर्स। तो मेरा जो फर्स्ट गेम था ना गाइस, वो मारियो था, जो सुपर मारियो जो बहुत ही पहले चलता था, अगर आपने खेला होगा तो वो मैंने खेला था सबसे पहला गेम, क्योंकि मैं छोटे से ही गेम खेलता आ रहा हूँ, इसलिए वो मैंने सबसे पहले खेला था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन विच स्टेट विच सिटी डू यू लिव? तो मैं रहता हूँ गाइस मध्य प्रदेश भोपाल में, और इससे आगे का एड्रेस मैं आपको नहीं बता सकता। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन डिड यू स्टार्ट प्लेइंग स्टंबल गाइस एंड बिकेम अ प्रो? तो मैंने स्टंबल गाइस स्टार्ट किया था जब ये लॉन्च हुआ था ना, उसके 2 हफ्ते बाद ही शायद मैंने चालू किया था, कम से कम 2020 के अक्टूबर में चालू किया होगा, और तब से मैं ये हमेशा खेल रहा हूँ। मतलब मैं रोज़ नहीं खेलता, सिर्फ जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना 3 या 4 दिन में एक बार, तभी मैं इसे खेलता हूँ, वरना मैं इसको नहीं खेलता हूँ, सिर्फ वीडियो बनाते टाइम खेलता हूँ आप लोगों के साथ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि योर फेवरेट आईपीएल टीम? तो मेरी फेवरेट आईपीएल टीम हमेशा से एक ही रही है, वो है चेन्नई सुपर किंग्स गाइस, और मैं सिर्फ उसी के मैच देखता हूँ। पूरे आईपीएल में मैं फाइनल तक नहीं देखता, सिर्फ सीएसके का ही मैच देखता हूँ और कुछ भी नहीं देखता। और फेस रिवील मेरा ऑलरेडी हो चुका है गाइस, और इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने दे रखी है, तब भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना, तो मैं आपको वीडियो में आके दिखा दूंगा अपना फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेस कैम वीडियोस व्हेन? तो गाइस फेस कैम के लिए ना अपन को पीसी चाहिए, और पीसी मेरे पास है नहीं अभी, तो उसके लिए मैं सेव कर रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे ही हमारे पास पीसी आ जाएगा और मुझे सही टाइम जब लगेगा, तब अपन फेस कैम वीडियोस चालू कर देंगे, क्योंकि फेस कैम वीडियोस और वॉइस ओवर वीडियोस में बहुत फर्क होता है। फेस कैम वीडियोस में अपन वॉइस ओवर नहीं देख सकते गाइस, उसमें एडिटिंग का खेल रहता है, और वॉइस ओवर में कमेंट्री का खेल रहता है, तो दोनों अलग अलग रहती है। और टेक्नो गेमर से एक अकेला बंदा है जो मैंने देखा, जो वॉइस ओवर करता है फेस कैम के साथ, इसलिए मुझे उसकी वीडियो बहुत सही लगती है, और मैं भी ट्राई करूंगा कि वैसी ही बनाऊं बाद में। तो उसमें तो अभी बहुत टाइम है गाइस, तो जब तक के लिए आप वॉइस ओवर को ही एंजॉय करो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ यू कुड चेंज वन थिंग दैट हैपेंड, व्हाट वुड इट बी? तो ये तो यार मतलब हो ही नहीं सकता। तो वैसे भी पास्ट में आप जी क्यों रहे हो, मतलब प्रेजेंट में जो जो होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है, और उसको चेंज भी कर दोगे ना तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसलिए जो भी हुआ ना उसको होने दो, उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, और आगे की सोचो कि आगे आपको क्या करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन डिड यू डिसाइड यू विल क्रिएट अ यूट्यूब चैनल एंड हाउ यू लर्न टू एंटरटेन योर ऑडियंस सो नाइसली एंड डिड यू एवर थिंक दैट यू विल बिकम वेरी फेमस और जस्ट मेड चैनल फॉर फन? तो देखो मैं एक एक करके बताता हूँ। मैंने YouTube चैनल चालू किया था गाइज, मैंने संदीप महेश्वरी की एक वीडियो देखी थी कि YouTube से पैसे कैसे कमाएं, तो तब मैंने ये चालू किया था, ठीक है। और ये है 2017 की बात, तब हम 3 लोगों ने मिलकर ये चैनल चालू किया था, और उसके बाद इसमें बोला है कि मैंने एंटरटेन करना कैसे सीखा, तो वो तो यार अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। अगर आप मेरी स्टार्टिंग वीडियोस देखो ना, तो आप देख के हंस दोगे, मतलब इतना गंदा वॉइस ओवर देता था ना, आप देख के हंस दोगे। आप देखने कभी जाके मेरी स्टार्टिंग के वॉइस ओवर्स, और अभी में बहुत फ़र्क है। तो ऐसे ही अपन धीरे धीरे इंप्रूव करते जाएंगे, और फेमस तो मैं अभी भी नहीं हुआ हूँ, और बाद में मुझे फेमस होने का कोई शौक है नहीं ज़्यादा, क्योंकि फेमस होने के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा ही रहते हैं। और मैंने चैनल यार फन के लिए बनाया था, लेकिन अब अपन सीरियस हो चुके हैं, और मैं आपको कुछ अच्छी स्टोरी बताता हूँ चैनल के ऊपर। तो मेरे चैनल का नाम है ना हर्ष तात्सुया, से पहले हर्ष नायडू था, वो मेरे फ्रेंड्स ने बोला था कि तात्सुया रख ले, क्योंकि तात्सुया मेरा इन गेम नेम रहता था। मैं आगे आपको बताता हूँ कि तात्सुया मैंने क्यों रखा है। तो उसके बाद मेरा हर्ष नायडू से पहले मेरा नाम था जीरो निवर्स गाइस, जो हम लोगों ने साथ में मिलकर चैनल बनाया था ना, तो हमारा नाम था जीरो निवर्स। और जीरो निवर्स क्यों रखा था कि हमने सोचा था कि जीरो से यूनिवर्स पूरा, हम लोग जो मिल जाए ना वो कंटेंट डाल देंगे, मतलब वैरायटी चैनल रहेगा, कुछ भी सोचा नहीं था, जो मिल जाएगा ना वो डाल देंगे, और स्टार्टिंग में डालते भी थे। अब आप में से जो लोग बोलते ना कि मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ, फर्स्ट सब्सक्राइबर हूँ, तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि आप सब पता है कब आए हो, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर या 2000 सब्सक्राइबर थे ना, तब से आप में जो पहला बंदा होगा ना वो होगा, उससे पहले वाला तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा चैनल कुछ भी था गाइस, कुछ भी था, मतलब हम लोग कुछ भी डाल देते
देते थे। कभी जैसे गोभी की सब्ज़ी डाल दी मैंने, या फिर हमने फुटबॉल डाल दिया, या मैजिक ट्रिक्स डाल दी, कुछ भी डाल दिया, तो वो सब मैंने डिलीट कर दिए वीडियोस, क्योंकि मोनेटाइजेशन में दिक्कत होती है, वरना वो वीडियोस आपको देख के बहुत मज़ा आता। मेरे पास अभी फुटबॉल की वीडियोस रखी है जो हमने डाली थी, लेकिन वो मैंने ना अभी रखी है, मतलब प्राइवेट नहीं है, डिलीट करके मेरे पास सेव्ड रखी है, वो मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा अगर आपको चाहिए तो। तो यही है गाइस, बहुत ही मज़ेदार वीडियो थी, लेकिन वो अभी हटा दिए, और हमारा नाम जीरो निवर्स था। अगर आप स्टार्टिंग की वीडियो देखो ना मेरी, शायद उसमें इंट्रो भी होगा ऐसा जीरो निवर्स नाम का। तो ऐसे ही हम लोग टाइम पास करते रहते थे। तो 2017 में चैनल बनाने के बाद 3 साल बाद जाके फिर मैं जब सीरियस हुआ ना, तब मेरे चैनल की ग्रोथ हुई, जब मैंने सिर्फ एक चीज़ डालना चालू करी तब। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि वाई डोंट यू डू लाइव स्ट्रीम। तो लाइव स्ट्रीम यार मैं इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि देखो मैं रेगुलर कंटेंट क्रिएटर हूँ, मतलब मैं रोज़ एक वीडियो डालते ही डालता हूँ, तो मेरे लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है लाइव स्ट्रीम करना, क्योंकि मैं रोज़ एक वीडियो बनाता हूँ तो बनाते बनाते रात हो जाती है। अब मैं लाइव स्ट्रीम कब करूँगा? अगर मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा तो जो मैंने वीडियो डाली है उसकी रीच रुक जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। और ऊपर से जो मेरा वाईफाई है वो तो आपको मालूम ही है, BSNL का है, और BSNL का नेट तो चल ही जाता है, मतलब रोज़ है कभी ना कभी चल ही जाता है, तो उसका और अलग रिस्क रहता है, इसलिए लाइव स्ट्रीम बहुत ही कम करता हूं मैं, लेकिन आगे अपन ट्राई करेंगे उसे ज्यादा करने का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आपको फुल टाइम यूट्यूब करना है या कोई दूसरा करियर चूज करना है? तो यार मैंने फ्यूचर में सोच लिया कि अपन को यूट्यूबर ही बनना है, मैं फुल टाइम भी कर रहा हूँ अभी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। आपने देखा ही होगा मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। यूट्यूब से ही मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है गाइस, क्योंकि मुझे जॉब में ना उतना इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए अपना यूट्यूब से बहुत अच्छा चल रहा है, और ऐसे ही चलता रहे, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आगे अपन बहुत आगे तक जाएंगे गाइस। इसलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और आपको भी मज़ा मिलते रहे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है ब्रदर और सिस्टर, और व्हाट सब्जेक्ट यू मोस्ट लाइक? तो मेरी एक सिस्टर है जो मेरे से बड़ी है, और सब्जेक्ट तो यार मुझे कोई पसंद ही नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ाई है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने छोड़ी दी पढ़ाई, मतलब छोड़ी नहीं, कंप्लीट करके आगे पढ़ा नहीं ज़्यादा मैंने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर नेम? तो जिसको भी नहीं मालूम है, मेरा नेम है हर्ष नायडू गाइस, और मेरी फेवरेट टीम अर्जेंटीना और ब्राज़ील में चूज़ करेंगे तो अर्जेंटीना ही रहेगी, और वैसे भी अर्जेंटीना ही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डज योर पेरेंट सपोर्ट ऑन योर यूट्यूब चैनल और नॉट? तो मेरे पेरेंट्स का तो मेरे पे फुल सपोर्ट है, तभी तो मैं फुल टाइम कर रहा हूँ इसे, और जो मेरी पेमेंट है वो भी मेरे पापा के अकाउंट में जाती है, तो उनको भी मालूम ही रहता है पूरा। बस पहले उनको लगता था कि थोड़ा टाइम पास कर रहा है, लेकिन जब मेरी पेमेंट आने लगी तब उनको समझ में आ गया कि आ सकता है, इसमें से भी बहुत कुछ हो सकता है, तो वो लोग समझ गए फिर। तो ऐसे ही आपको भी अगर करना है तो आपको पहले प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद तो सबका सपोर्ट आ ही जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? तो यार लड़कों में ना बेस्ट फ्रेंड होता नहीं है, लड़कियों में ज़्यादा होता है बेस्टीज, ये सब चलता है, लेकिन लड़कों में तो सब भाई रहते हैं, सभी एक समान रहते हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड रहता ही नहीं है ज़्यादातर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई यू नेवर प्रमोट योर सेकंड चैनल ग्रो ट्यूब ऑन योर मेन चैनल? तो मेरा जो सेकंड चैनल है ग्रो ट्यूब, वो यूट्यूब को ग्रो करने के ऊपर है, तो अगर आपको देखना है और सीखना है तो आप उसे देख सकते हो। अब मैं उसे प्रमोट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वो अलग नीश है, एक समझ रहे हो, वो गेमिंग के लिए नहीं है, तो अगर आप गेमिंग वाले उसमें जाओगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। मैं उसे रख सकता हूँ, आप देख के सीख भी सकते हो, लेकिन अभी क्या है मैं उस पर काम कर भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे जितना मालूम था ना मैंने सब बता दिया उसमें, और अगर आप देखोगे ना तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, उसमें कोई भी फालतू की टिप्स नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्किंग टिप्स है, मैंने खुद उसी टिप्स से ग्रो किया है और अभी भी वही करता हूँ। तो अगर आपको सीखना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, सर्च कर सकते हो चैनल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू स्टार्टेड यूट्यूब एंड हु इज़ योर इंस्पिरेशन? तो वही मैंने जो बताया था, मैंने संदीप महेश्वरी सर की एक वीडियो देख ली थी कि पैसा कैसे कमाएं यूट्यूब से, तभी से मुझे जोश चढ़ गया था यूट्यूब का, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही कुछ बड़ा करना था, और जॉब वॉब में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने स्टार्ट किया ऐसे टाइम पास के लिए, फिर बाद में धीरे धीरे मज़ा आने लगा और मैं बहुत कुछ सीख भी गया था, तो इसलिए मैंने फिर चालू कर दिया यूट्यूब को फुल टाइम। और इंस्पिरेशन ऐसे कोई नहीं है, बस उनकी बात सुन के मैंने चालू कर लिया था और वो काम भी आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर योर अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब? तो यार अर्निंग तो मैं बताऊँ तो मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी 9,000 की, और मैंने 40,000 भी क्रॉस किया है, तो मेरी अर्निंग इसके बीच में ही एक एवरेज बनी रहती है, तो इसके बीच में ही कहीं पे मान के चल लो, कोई सा भी नंबर लगा सकते हो आप, इसके बीच वाला या फिर साइड वाला या कोने वाला, जो आपको लगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच स्टैंडर्ड यू स्टडी? तो गाइज मैंने 12th भी कम्प्लीट कर ली है, कॉलेज भी कम्प्लीट कर लिया है, और सब कम्प्लीट कर लिया है, और अब मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, तो यही मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी
किसी भी स्टैंडर्ड में हूँ नहीं अभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैन यू प्लीज से योर फेवरेट सिंगर एंड सॉन्ग। तो यार मेरा कोई भी फेवरेट सिंगर नहीं है और सॉन्ग भी नहीं है, मैं तो बस इंस्टाग्राम रील्स में जो भी आ जाते हैं ना गाने, दो तीन अच्छे लगते हैं उसको भी सुनता नहीं हूँ, बस वो रील देख के बंद कर देता हूँ। और गाने वाने में सुनता ही नहीं, मुझे गाने मालूम ही नहीं कौन से चल रहे हैं, बस जो रील्स में अच्छे रहते हैं उनका मैं AMV डाल के यूट्यूब पर देख लेता हूँ। और ऐसे में कभी सुनता नहीं हूँ, जब मैं कुछ काम कर रहता हूँ या फिर एक्सरसाइज कर रहता हूँ ना तभी मैं उस गाने को लगाता हूँ, वरना मैं कभी भी ऐसे अलग से गाने नहीं सुनता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। तो हम लोग चार लोग हैं, मम्मी पापा मैं और मेरी बहन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गेमिंग स्टार्ट करे हुए कितने साल हो गए, कौन सा गेम सबसे पहले खेला था। तो सबसे पहले तो मैंने बताया मैंने मारियो खेला था, और कितने साल हो गए ना ये बताऊंगा तो आप लोग है ना मतलब पागल ही हो जाओगे। मैं ना बचपन से ही गेम खेल रहा हूँ, जब मैं 3 साल का कुछ था ना तभी से मैं गेम खेल रहा हूँ गाइस। सबसे पहले वो कैसेट वाली गेम आती थी वो मैं खेल रहा हूँ, उसके बाद मैं प्ले स्टेशन जाता था, मोबाइल गेम्स खेले, जावा गेम्स खेले, नोकिया वाले गेम्स खेले, स्नेक खेला, मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं रहा है मेरी ज़िंदगी में जब मैंने गेम नहीं खेला हो। मतलब मैं हर टाइम पे गेम खेलता ही आ रहा हूँ, इसलिए मुझे अपनी गेमिंग पे इतना नाज है गाइस, क्योंकि मैं कोई सा भी गेम खेल सकता हूँ। नॉर्मली आप देखोगे ना कोई भी एक बंदा एक ही गेम खेलता है कोई भी यूट्यूबर, लेकिन मैं हर गेम खेल पाता हूँ और अच्छे से इसलिए खेल पाता हूँ क्योंकि बचपन से जो मैंने खेले ना तो मेरे में गेम सेंस बहुत ज़्यादा आ चुका है गाइस, तो इसलिए मुझे ईजी पड़ता है अडाप्ट करने में। तो इसलिए मैं अभी तक इतने सारे गेम्स खेल चुका हूँ ना कि मैं गिन ही नहीं सकता और मैं बता ही नहीं सकता। बस ये सोच लो कि 3 साल से रेगुलर मैं अभी तक गेमिंग कर रहा हूँ तो मैंने कितने गेम खेले होंगे, और मुझे समझ में आ गया था कि गेमिंग ही मेरा टैलेंट है गाइस, गेमिंग से अच्छा मैं कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि मैंने उसके अलावा कुछ किया ही नहीं है ना कभी। तो इसलिए मैं समझ गया था गेमिंग में अपन को करियर बनाना है, तो देखते हैं कितना अच्छा करियर अपन बना पाते हैं, ट्राई अपन पूरी करेंगे गाइस। आप भी सपोर्ट करो, बस सब्सक्राइब दबा दो और क्या करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विच ऐप डू यू यूज़ फॉर एडिटिंग वीडियोस। तो मैं एडिटिंग काइनमास्टर से करता हूँ जो कि आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, तो उससे मैं करता हूँ। बेसिक एडिटिंग हो जाती है उससे, पीसी अपने पास है नहीं, वरना और अच्छी कर सकते थे, लेकिन जितनी हो रही उतनी भी काफ़ी है अभी के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डू यू वॉच फुटबॉल, इफ़ यस विच टीम डू यू सपोर्ट एंड डू यू वॉच ला लीगा और प्रीमियर लीग। तो मैं ना फुटबॉल में सिर्फ एक ही बंदे को देखता हूँ, वो है मेसी। तो मेसी जिस भी टीम में रहता है वो अपनी फेवरेट हो जाती है, और मैं गेम कभी देखता नहीं हूँ, फुटबॉल गेम मैं नहीं देखता क्योंकि मेरा एक तो आता नहीं है, ऊपर से मेरे को देखने का शौक भी नहीं है। मैं सिर्फ मेसी ने जो जो टच किए ना पूरे गेम में बस वो देख लेता हूँ, जो सिर्फ मेसी ने टच किए बॉल सिर्फ वो वाले पार्ट देखता हूँ, बाकी मैं देखता ही नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाच के कब दिखा रहे हो लाइव। तो यार इस पे मैंने सोचा है गाइस, अगर मैं एक शॉर्ट्स का चैनल चालू कर दूं जिसमें मैं अपनी डांस वीडियोस डालूं, तो अगर आप देखना चाहते हो तो ज़रूर बताना यार कमेंट में, क्योंकि मैंने सोचा था ऐसा कि एक शॉर्ट्स चैनल बनाया जाए डांस का और आप लोग को एंटरटेन करूं मैं डांस से। तो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर बताना, मैं बना सकता हूं ऐसा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाट्स योर मोस्ट प्लेड मैप एवर इन स्टंबल, प्लीज़ पिक माय बिग फैन। तो थैंक यू भाई। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला मैप है ना वो मुझे भी नहीं मालूम क्योंकि गिनता कौन है, लेकिन एक जो मैप है जैसे कि हनी ड्रॉप है ना उसमें मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि मैं इसमें जीत सकता हूँ। बिना इमोट तो वैसे भी नहीं मार सकता, मतलब बिना सामने वाले के इमोट से, अगर सामने वाला मुझे डिस्टर्ब नहीं करे इमोट से तो उसमें मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसमें फेयर एंड स्क्वेयर जीत सकता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर। तो ये आप किसी भी इंडियन से पूछो तो पहले के लोग, मतलब थोड़े पहले के, जैसे अभी तो आप लोग थोड़े छोटे हो, मेरी एज वालों से पूछोगे तो 90% एक ही बंदे का नाम लेंगे, वो है महेंद्र सिंह धोनी, तो सब उन्हीं का नाम लेंगे मेरे हिसाब से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ योर 10th रिजल्ट। तो मैं आपको पहले ही बताया कि पढ़ाई मुझे उतनी पसंद नहीं थी, तो मैं एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले ज़्यादातर एग्ज़ाम के टाइम, वो भी बोर्ड के टाइम बता रहा हूँ, तब मैं एक हफ्ते पहले पढ़ लेता था, उससे पहले मैं कभी नहीं पढ़ता था। लेकिन तब भी क्या है, एक चीज़ है मेरी मेमोरी है ना थोड़ी बेटर है, मतलब मेमोरी मेरी थोड़ी सी अच्छी है तो मेरे मार्क्स अच्छे खासे आ जाते थे। तो 10th में मेरे आए थे, पहले CGPA का सिस्टम चलता था, अभी पता नहीं चलता है कि नहीं, तो मेरे 9 CGPA आए थे गाइस 10 में से, अभी पता नहीं इसको मैं कैसे बताऊं, लेकिन 10 में से 9 CGPA आए थे मेरे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1K का रिएक्शन तो बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। 50K पे और फैमिली रिएक्शन तो सभी खुश थे क्योंकि सब सपोर्ट करते ही हैं इसलिए सब खुश थे। और मैंने सेलिब्रेट कैसे किया था गाइज वो मैं आपको बताता हूँ। 50K पे मैंने क्या किया था, कोई पार्टी वार्टी मैंने नहीं दी थी, मैंने क्या किया था जो स्ट्रीट एनिमल्स रहते ना उन लोगों को रोटी दी थी, और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी ताकि आपको इंस्पायर कर सकूं, लेकिन इंस्टाग्राम वाला पता नहीं क्यों ऑडियो म्यूट कर रहा था। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब भी आप सेलिब्रेट करते हो ना ट्राई
ट्राई करो कि स्ट्रीट एनिमल्स को भी इन्वॉल्व करो यार, उनको भी थोड़ा खाना दो, क्योंकि वो लोग भी भूखे रहते गाइस, उनको भी पार्टी की ज़रूरत है अपनी, इसलिए ये भी ट्राई करते रहिया करो। और नॉर्मल भी अगर आपके यहाँ खाना बच जाता है तो उसे फेंकने से अच्छा है ना आप एनिमल्स को दे दिया करो। फिर है, कभी डीमोटिवेट हुए हो तो डीमोटिवेट मैं नहीं हुआ था, एक बार बस मैं थोड़ा सा उदास हो गया था जब अपनी स्टम्बल गाइस में वीडियो डाल रहा था और मेरे एग्ज़ाम आ गए थे, तो दो दिन मैंने वीडियो डाली नहीं थी, उसके बाद मेरा चैनल ही डेड हो गया था, मतलब व्यू ही नहीं आ रहे थे, बहुत ही कम हो गए थे, तो तब मुझे लगा था थोड़ा सा, लेकिन मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ था, मैंने फिर सोच लिया था गेम चेंज कर लूँगा, BGMI कर लूँगा, लेकिन तभी मैंने एक सीरीज़ निकाली थी, जो पुराना सब्सक्राइबर होगा उसको मालूम है, एक कंपाइलेशन निकाली थी और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, तब से मैं स्टम्बल गाइस में मेरी अच्छी व्यू आ रही है और डीमोटिवेट मैं कभी नहीं आऊँ। अभी भी मैं डालता हूँ बाकी गेम्स की वीडियोज़ तो बहुत ही कम व्यू आती है, लेकिन वो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग रहती है, इसलिए मुझे बुरा लगता ही नहीं है। और PC प्राइस तो मैं क्या ही बताऊँ, PC है ही नहीं अपने पास, एक लैपटॉप रखा है बहुत ही पुराना जो चालू नहीं होता, और चालू भी होता है ना तो स्टार्टिंग विंडोज़ लिखा आता है ना वो तक लैग मारता है उसमें, इतना पुराना है वो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ योर GF एंड हर नेम। तो गाइस इसमें ना मैंने देखा है जितने भी Q&A होते हैं ना सब इसमें यही पूछते हैं, और जो भी आपको यूट्यूबर बोलता है ना कि उसकी GF नहीं है वो साफ साफ झूठ बोलता है, पता है। लेकिन मैं आपको सच बताऊंगा, मेरी सच में GF नहीं है गाइस, और बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, झूठ बिल्कुल भी मत मानना इसे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई आर यू नॉट ऑन DC। तो मैं DC पे तो हूँ और रोज़ मैं सिर्फ लेकिन एक ही बार ऑनलाइन आता हूँ, सिर्फ एक बार अपडेट्स देखने के लिए, उसके बाद मैं खोलता ही नहीं हूँ अगले दिन तक DC। और मैं क्लैन में क्यों नहीं हूँ, क्योंकि क्लैन का सिस्टम जब है ही नहीं स्टम्बल गाइस में, तो इसलिए मैंने क्लैन बनाया था लेकिन फिर वो हटा दिया था, क्योंकि जब क्लैन का ऑप्शन है ही नहीं तो बना के मतलब क्या है। फिर फेवरेट स्किन मेरी SG में तो सबको ही मालूम होगा, जो अपनी मिस्टर स्टम्बल ही है शायद उसका नाम बेसिक वाली वही है। फिर फेवरेट SG यूट्यूबर तो यार मैं सच बताऊँ ना तो मैं किसी को देखता ही नहीं, इसलिए ये कारण है कि मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने किसी को देखा ही नहीं गाइस, मैं देखता ही नहीं किसी की वीडियो, मैं सिर्फ खुद ही बनाता हूँ और डाल देता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स देखते ही नहीं इसलिए मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को जानता हूँ SG वालों को, ये नहीं है कि मैंने किसी को देखा ही नहीं, देखा है लेकिन इतना अच्छे से देखा नहीं कि मैं फेवरेट बता सकूं अपना। और 10 का रिजल्ट तो मैंने बता ही दिया, 12 का भी बताऊं तो 87.4 समथिंग को चाहता है, वो भी मैंने एक हफ्ता एक महीना पहले ही पढ़ना चालू किया था, मेरे को इतना पसंद है नहीं पढ़ाई। और उसके बाद में अगर बताऊं कि वीडियो में मैं कितना टाइम देता हूं एक दिन में, तो पूरा दिन ही मैं यूट्यूब पर लगा रहता हूं, क्योंकि मैं इसे फुल टाइम करता हूं इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूं। मुझे ना रिसर्च में ज़्यादा टाइम लगता है, इस वीडियो बनाने में उतना टाइम नहीं लगता जितना रिसर्च में लगता है कि अगला क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप अपना क्या रहेगा, तो उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे ग्रो करना ही है गाइस कुछ भी करके, इसलिए मैं लगा रहता हूँ पूरे दिन इसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फेवरेट एक्टर वन बॉलीवुड एंड वन हॉलीवुड। तो जैसे मैंने आपको गाने के बताया ना, वैसे मैं मूवी भी नहीं देखता गाइस, पता नहीं आखिरी बार मैंने कब कौन सी मूवी देखी थी अच्छे से, मैं जब सिर्फ खाना खा रहा होता हूँ तब देख लेता हूँ ऐसे 10-15 मिनट के लिए कुछ, वरना मैं कुछ भी नहीं देखता गाइस अलग से, तो मूवी देखता ही नहीं हूँ मैं ना, मैं कुछ डाउनलोड करता हूँ मूवी, कुछ भी नहीं करता, मेरे को तो मालूम भी नहीं डाउनलोड कहाँ से करते हैं, इसलिए जो भी TV पे आ रही होती है जब मैं बिल्कुल ही खाली हूँ ना तो 10-15 मिनट के लिए देख लेता हूँ, फिर वापस लग जाता हूँ अपने YouTube के काम पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डोरेमोन और शिनचैन। तो यार देखो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन मैं ना शिनचैन पे फोकस करूँगा, क्योंकि उसकी कॉमेडी ना थोड़ी बेटर है डोरेमोन से। डोरेमोन में इतनी कॉमेडी नहीं है, बस अच्छा कार्टून है, लेकिन शिनचैन की जो कॉमेडी है ना वो नेक्स्ट लेवल है गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि YouTube पे आपका पहला वीडियो कौन सा था, किस टॉपिक पे था। तो जो पहला वीडियो है वो तो अभी भी डला हुआ है, जो PlayStation का गेम है शायद से अर्बन रीन है वो डला है, उसके बाद एक स्मैकडाउन पेन भी डला है क्योंकि वो मैंने बहुत खेला है, तो हम लोग वही डाल रहे थे, मतलब दो ही डाली थी, उसके बाद जो अलग वीडियो जो मैंने बताई पहले वो मैंने डिलीट कर दी, लेकिन फुटबॉल की अनबॉक्सिंग और रिव्यूज रखी है, वो मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा अलग से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल यू स्विच टू इफ फॉल गाइस बिकम्स फ्री। तो स्विच तो मैं वैसे भी नहीं कर पाऊंगा कि मेरे पास PC है नहीं, अगर मोबाइल में आता है तो ऑब्वियस ही बात है मैं स्विच करूंगा ही, स्विच नहीं करूंगा दोनों डालूंगा, क्योंकि आप लोग भी स्विच करोगे ना, आप स्टम्बल गाइस छोड़ के फॉल गाइस ही खेलोगे ज्यादातर, अगर गेम अच्छा निकला तो अपन दोनों खेलेंगे गाइस, क्योंकि अपन को फाइनली एक बड़ी ऑडियंस ही तो चाहिए, अभी अपनी स्टम्बल गाइस की ऑडियंस लिमिटेड है, लेकिन जब फॉल गाइस मोबाइल आ जाएगा सोचो कितना मजा आएगा, जब अपन लोग बहुत सारे हो जाएंगे और बहुत ज्यादा मजा आएगा, तो अपन दोनों खेला करेंगे फिर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर यू गेट योर कंटेंट। तो कंटेंट के लिए तो आपको YouTube देखना पड़ेगा, तभी आपको आइडियाज आएंगे गाइस, लेकिन जो स्टम्बल
गाइस का कंटेंट है ना वो सब मैंने खुद से ही सोचा था, जैसे जो मिथ बस्टर मैंने निकाला था, कंपाइलेशन मैंने निकाला था और चैलेंजेस मैंने निकाला था और ये जो अलग अलग चैलेंजेस मैं करता रहता हूँ इधर उधर के वो सब मैंने खुद ही निकाले थे गाइस, क्योंकि मैंने सोचा था कोई और तो कर नहीं रहा स्टम्बल गाइस में, इसलिए मैं उसमें लाया था तो मुझे थोड़ा फ़ायदा भी हो गया था। लेकिन जो बाकी सब कॉन्टेंट है माइनक्राफ्ट के वो तो मैं बाकी यूट्यूबर को देख ही करता हूँ, बस स्टम्बल गाइस के मेरे ओरिजिनल रहते, बाकी सब मैं देखते रहता हूँ और इंस्पिरेशन लेता रहता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है विच फूड डू यू लाइक। तो मैं यार बिल्कुल भी फूडी नहीं हूँ, मतलब लोग फूडी रहते हैं ना कि ये भी खा लो, ये भी पसंद है, ये पसंद है, तो मेरे को इतना खाने में इतना शौक है नहीं। तब भी एक फूड पूछोगे ना तो मुझे डोसा बहुत पसंद है गाइस, बचपन से अभी तक मैं डोसा ही एक चीज़ है जो खा सकता हूँ, मैं रोज़ तो नहीं खा सकता लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा योर फेवरेट एनिमेटेड शो। तो एनिमेटेड में मैं एनिमे बताता हूँ, मेरा फेवरेट है नारुतो बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी भी बहुत अच्छे हैं जैसे कि अटैक ऑन टाइटन हो गया, हाइकी हो गया, ये सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखो तो लोग नारुतो ही बोलेंगे क्योंकि पता नहीं उसमें एक अलग ही जादू है गाइस। और हमारा जो डॉग है ना गाइस उसका नाम भी कुरामा ही है, सोचो जो नारुतो में कुरामा रहता ना वही उसका नाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाई डू यू चूज तात्सुया विथ योर नेम हर्ष। तो ये तो मैं बताता हूँ इसके पीछे क्या कहानी है। तात्सुया पहली बात मेरा इन गेम नेम रहता है गाइस, कहीं भी आप देखोगे ना तो तात्सुया। अब तात्सुया कौन है मैं ये बताता हूँ, एक कार्टून मतलब एनीमे था और अभी तो नहीं आता वैसे, इनाजुमा 11, तो उसमें एक बंदा था कियामा हिरोतो नाम का, तो जब उसका नाम हिरोतो था ना तब मेरा नाम भी हिरोतो ही था, तब मैं हर्ष हिरोतो रखता था, लेकिन बाद में हमें मालूम चला स्टोरी में कि वो है ना ऑर्फन था और उसका रियल नेम तात्सुया था, तो फिर मैंने भी अपना नाम चेंज कर लिया हर्ष हिरोतो से हर्ष तात्सुया कर लिया। और मेरे दोस्तों ने बोला था कि तेरा गेमिंग चैनल है तो अपना गेमिंग नाम रख, इसलिए मैंने हर्ष नायडू से अपना नाम हर्ष तात्सुया कर लिया ताकि ये गेमिंग चैनल जैसा लगे और अच्छा बने भी और आप लोगों ने इसको पसंद भी किया। तो यही है अपने नाम की कहानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी हाइट है मेरी 170 सेंटीमीटर होगी, और वेजिटेबल और फ्रूट्स तो मैं दोनों ही ज़्यादा नहीं खाता तब भी फ्रूट्स बोल देते हैं, और स्कूल और कॉलेज में तो हर बंदा स्कूल ही चूज़ करेगा गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप रोब्लॉक्स क्यों नहीं डाल रहे हो। तो रोब्लॉक्स की मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोज़ डाली ना गाइस, 55-58 वीडियोज़ कुछ डाली है और ज़्यादातर गेम सेम ही थे, तो अगर आप मेरे रोब्लॉक्स की पूरी प्लेलिस्ट देख लोगे ना तो आपको फील ही नहीं होगा कि आपको और रोब्लॉक्स देखना है, एक बार आप ट्राई करके देखा करो। जिसको भी रोब्लॉक्स देखना है ना मेरे रोब्लॉक्स की प्लेलिस्ट देखो और सारी वीडियो देखो, फिर आप खुद बोल लोगे यार बस काफ़ी है, बहुत सारे गेम देख लिए और सारे सेम ही ऑलमोस्ट, जैसे कोई नया गेम आएगा मैं ज़रूर डालूंगा, रोब्लॉक्स छोड़ा थोड़ी हमने, हम बस वेट करें कुछ अच्छा आने का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं अकेले सब करता हूँ या पूरी टीम है। तो मैं अकेले ही सब करता हूँ गाइस, इसलिए मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ और ठीक ठाक तो डाल ही लेता हूँ मेरे हिसाब से, लेकिन अपन और अच्छी बनाएंगे इसको, धीरे धीरे कंटेंट इंप्रूव होगा और वो एक टीम से ही होगा, लेकिन उसके लिए अपन को अच्छा खासा ग्रो करना पड़ेगा गाइस, तो धीरे धीरे ही होगा सब एक साथ नहीं होता है, इसलिए मैं आराम से लगा हुआ हूँ, जब तक अपनी टीम नहीं बन जाती तब तक मुझे ही पूरा संभालना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ऑन विच डिवाइस डू यू प्ले गेम्स। तो मैं खेलता हूँ रियल मी 3 प्रो पे, और ये मैंने लिया ही था पापा से ये बोल के, मैंने बोला था कि दिला दो मैं आपको इससे पैसे कमा के दिखाऊंगा, और मैंने दिखाया भी, तो यही डिवाइस से मैं जब से ही खेल रहा हूँ, जब से मैंने यूट्यूब चालू किया था तब तो मेरा दूसरा फ़ोन था, लेकिन BGMI मतलब पबजी उस टाइम पर आया था तो वो उस फ़ोन में चलता नहीं था, तो मैंने इसलिए ये लिया था ताकि मैं इससे वीडियोज़ बना सकूँ फिर, और ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा लकी फ़ोन है, और वैसे भी मुझे इसको चेंज करने का कोई शौक़ है नहीं क्योंकि मेरे में ही चलता है सब वैसे भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपने YouTube में सबसे पहला यूट्यूबर कौन सा देखा था। तो जब मैंने यूट्यूब चालू किया था, मतलब मैंने जब गूगल ये सब देखना चालू किया था तब मैं 5th क्लास में था गाइस, तब यूट्यूब ये सब कुछ नहीं होता था, मतलब यूट्यूबर कुछ नहीं होता था, सब रैंडम वीडियोज ही डालते थे, मतलब कुछ भी उठा के डाल दिया किसी ने, ऐसा होता था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को इतना नॉलेज था भी नहीं और मैं छोटा भी था बहुत। तो मेरे को ये याद है कि जो सबसे पहले मैंने चीज़ सर्च करी थी ना इंटरनेट पे वो थी जॉन सीना गाइस, मैं जॉन सीना का बहुत बड़ा फ़ैन था और पूरे दिन उसी के बारे में सर्च करता रहता था, WWE देखता था, YouTube तो उस टाइम पे चलते नहीं था, 2G पे क्या ही चलेगा, लेकिन Google बराबर चलता था तो बस मैं वही देख के पढ़ता रहता था WWE के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हाउ मेनी डेज took you टू रीच 1K subs एंड इन हाउ मेनी वीडियोस। तो गाइस मेरे को ना 3 साल लग गए थे 1K सब्स आने में, मतलब ये सबसे लेट होगा किसी का भी, लेकिन वो भी है कि मैं अच्छे से करता नहीं था, ज़्यादातर हम लोग टाइम पास टाइप में करते थे, लेकिन तब भी मैं सीरियस था थोड़ा बहुत, लेकिन चलता ही नहीं था कुछ जो भी मैं डालता था। जब लॉकडाउन आया ना तब मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ, जब मैंने गेमिंग में थोड़ा सा स्टार्ट किया ना
तब मुझे समझ में आया कैसे करते, फिर मैंने बहुत जल्दी ग्रो कर लिया था गाइस, लेकिन मुझे 3 साल तो लगे ही थे। इसलिए जो भी आके स्पैम करता है ना कि मुझे प्रमोट कर दो ये कर दो, मैं कभी करता ही नहीं हूँ, क्योंकि भाई खुद मेहनत करोगे ना तब समझ में आता है कितना ज़्यादा मुश्किल है गाइस। और मेरे को तो 3 साल लगे, लोग एक एक महीने में आके बोल देते कि भाई मेरे से हो नहीं रहा, मेरे को 3 साल लगे, सोचो मैंने कितनी मेहनत करी होगी और आप एक महीने में हार मान जाते हो। इसलिए मैं कभी स्पैमर्स को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि मुझे 3 साल लगे और आप एक महीने में स्पैम करने लगे, तो इसलिए आप भी मेहनत करो तब आपको समझ में आएगा। जब खुद से मेहनत करते ना तब समझ में आता है कि रियल में मेहनत कितनी लगती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्टंबल गाइस में प्रो बनने के लिए स्पेशल स्किन और पीएच के जरूरी है क्या? ये पीएच के क्या होता है भाई, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ भाई। कुछ नए नए कॉन्सेप्ट कोई ले आता है क्या? मतलब मेरे को तो मालूम नहीं ये पीएच के होता क्या है, कोई मुझे बताएगा कमेंट्स में तो मैं बताऊँगा। और कुछ ज़रूरी नहीं है गाइस, गेमिंग में सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जो आपने टाइम दिया है। जिसने ज़्यादा खेला होगा उसको ज़्यादा आता होगा, जिसने कम खेला होगा उसको कम आता होगा। जैसे मैंने 10 घंटे खेला है और आपने 9 घंटे खेला है, तो मैंने 10 घंटे खेला है ना, उस 1 घंटे मुझे आपसे ज़्यादा आएगा, ये बात है ही। अगर कोई स्मार्ट लर्निंग करता है तो वो 1 या 2 घंटे का फ़र्क हटा सकता है, वरना तो गेमिंग में ये रहता है जिसने ज़्यादा देर खेला रहता है उसको ज़्यादा आता है। इसलिए कोई भी बुरा या अच्छा नहीं होता गेमिंग में, जिसने ज़्यादा खेला होता है उसको ऑब्वियसली ज़्यादा ही आएगा। अब आप पूरे दिन बैठ के खेलोगे स्टंबल गाइस तो आप अगले दिन ही प्रो जाओगे, लेकिन अगर आप हफ्ते में एक बार खेलोगे मेरी तरह तो आप मेरे जैसे रह जाओगे। तो यही फैक्टर रहता है गेमिंग में अच्छा या बुरा होने का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में YouTube चैनल बना के ग्रो हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते, बस आपको लो कंपटीशन में चालू करना पड़ेगा। और डिटेल जानिए तो मेरा जो चैनल है ग्रोट्यूब, उस पर जाकर देख लो, सर्च कर लो, ग्रोट्यूब आ जाएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया, जितना चाहिए रहता है बस उतना मैंने बता दिया उसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यू लव क्रिकेट और फुटबॉल, तो मुझे यार आप कोई भी गेम खिला लो, मुझे सब पसंद है, आप कोई सा भी गेम खिला लो, मैंने सब खेला है, मैंने क्रिकेट भी बहुत खेला है, फुटबॉल भी बहुत खेला है, वॉलीबॉल भी खेलता हूँ बहुत, तो आप जो खिला लो मैं वो खेल लूँगा आपके साथ। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने बचपन से 2 ही चीज़ें करी है रेगुलर, अभी तक करते आ रहा हूँ, एक गेमिंग और एक स्पोर्ट्स। ऐसे दिन नहीं गए जब मैंने किया ही नहीं हो ये, मतलब मैं हर दिन यही करता हूँ, तो इसलिए आप जो बोलो मैं वो खेल लूँगा आपके साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप भैया आप प्रो नहीं हो किसी भी मैप में, उसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं करते, ऐसा क्यों? तो वही जो मैंने कारण बताया कि मैं किसी की वीडियो देखते नहीं तो मुझे मालूम नहीं टिप्स एंड ट्रिक्स, और मैं खेलता हूँ इतना कम हूँ कि मैं इसमें प्रो बन ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे बाकी गेम्स भी खेलने पड़ते हैं सीखने के लिए, जैसे माइनक्राफ्ट हो गया, एपेक्स लेजेंड्स हो गया, फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, सब मैं खेलता रहता हूँ, इसलिए सब में मैं एवरेज हूँ, किसी में बहुत ही ज़्यादा प्रो नहीं हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ़ यू वॉच पोकेमॉन देन सेरेना और मिस्टी, मिस्टी पॉलोर, ऐश, ऐश और प्रोफेसर रोक, क्योंकि ये सब पुराने और मैंने पुराना वाला ही देखा है, नए वाले देखता नहीं मैं, नए वाले में थोड़ा ख़राब कर दिया, पुराना वाला तो लेजेंडरी था गाइस। और मेरा फेवरेट पोकेमॉन पूछो तो मैं बता देता हूँ चारिज़ार्ड था। तो हमारा फाइनल क्वेश्चन आज का ये है गाइस, कि कभी मुझे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो मैं खुद को मोटिवेट कैसे करता हूँ? तो देखो पहली बात है ना, नेगेटिव कमेंट्स में 2 टाइप के होते हैं, एक क्रिटिसिज्म होता है, क्रिटिसिज्म मेरे को लेना ही पड़ता है और मेरे को लेना अच्छा लगता है, क्योंकि तभी मैं ग्रो कर पाता हूँ। आप लोग क्रिटिसाइज़ करते हो ना तो मुझे समझ में आता है कि मेरी गलती कहाँ है और मैं उसे सही कर लेता हूँ और उससे फिर इम्प्रूव हो जाता हूँ, वो तो मैं देख लेता हूँ। लेकिन जो हेट कमेंट्स रहते हैं ना, जो फॉल्स कमेंट्स रहते हैं, वो तो मैं देखते नहीं, वो मैं सीधा चैनल यूज़र हाइड ही कर देता हूँ, चैनल से पूरे मतलब यूज़र को हाइड ही कर देता हूँ। अगर वो कमेंट कर भी पा रहा है ना तो उसको मालूम ही है नहीं कि किसी को दिख ही नहीं रहा कमेंट, बस वो करते जा रहा है, तो यही है। ऐसे मैंने बहुत लोग को हाइड किया है, क्योंकि वो लोग फालतू के कमेंट्स करते हैं जो किसी के लिए भी अच्छा है नहीं, और उससे क्या होता है कि ऑडियंस पे भी गलत इफेक्ट पड़ता है गाइस। जैसे मेरी कोई सही वीडियो बनाई है लेकिन उस पर कोई झूठा कमेंट लिख देता है कि ये तो वर्क कर ही नहीं रहा है, तो फिर मैं उसे हटा देता हूँ, उसे हाइड ही कर देता हूँ, क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि सही में वर्क कर नहीं रहा होगा, शायद ये झूठ बोल रहा है, तो गलत इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि मैंने आज तक कभी गलत चीज़ नहीं बताई गाइस किसी वीडियो में, जो भी बताता हूँ ना सब वर्क करता है, और जो मैं खुद करता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ बताता ही नहीं हूँ। तो बस यही रहता है मेरा, बाकी क्रिटिसिज्म तो मैं अच्छे से लेता हूँ, आप अभी भी कर सकते हो, मैं उसे लेता हूँ और उससे फिर सीखता हूँ गाइस। तो यही रहता है मेरा यूट्यूब का जो भी कह सकते हैं कॉन्सेप्ट। तो यार इससे लंबी वीडियो तो मैंने शायद ही आज तक नहीं बनाई होगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। अब अपन 100K के लिए टारगेट करेंगे गाइस। और अगर आपको मेरे स्टंबल गाइस का गेम प्ले देखना है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, देख लो दबा के।